तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव से जुड़ी खबर आ रही सामने, जहां एससी ने ओबीसी आरक्षण मामले पर दोनों पक्षों की बात सुनी है। आपको बता दें कि कल तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है, तो कल 23 दिसंबर को फिर सुनवाई करेगा हाई कोर्ट। तो सरकार पर ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया न अपनाने का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं, जहां हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले पर दोनों पक्षों की बात सुनी है। कल तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है, तो कल 23 दिसंबर को फिर से हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि सरकार पर ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया न अपनाने का भी आरोप लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश नगर निकाय से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले पर दोनों पक्षों की बात सुनी है। तो कल तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई गई है। कल 23 दिसंबर को फिर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। सरकार पर ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया न अपनाने का आरोप लगा है।